इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले मालथौनी चांदी तस्करी में पुलिस की भूमिका संदेहास्पद, गृह मंत्री तक पहुंचा मामला। मामला मालथौल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 का है, जहां 3 दिन पहले शहर से कुछ पुलिसकर्मी अचानक मालथौन टोल प्लाजा पहुँच गए। इनमें 2 थानों के प्रभारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन्होंने 1 4-पहिया वाहन को रोका और उसकी चेकिंग की। सूत्रों के अनुसार ये वाहन दिल्ली आगरा की तरफ से आ रहा है, जिसमें सागर के तथा कथित सराफा व्यवसायी सवार थे। चेक करने पर इनके पास से 200 क्विंटल से अधिक चांदी के जेवरात मिले। पुलिस ने तत्काल इन तस्करों पर दबाव बनाया, उनसे एक मोटी रकम ऐंठ ली, उन्हें मई चांदी के चलता कर दिया। इस मामले में बड़ी रकम लेकर तस्करों को छोड़ने की बात कही जा रही है। बहरहाल एसपी तरुण नायक ने मामले की जांच खुरई एसडीओपी सुमित केरकेट्टा को सौंप दी है। वहीं सागर में चांदी के जेवरात की तस्करी में 2 TI सहित 5 पुलिसकर्मियों को सागर एसपी ने नोटिस जारी किया है। सागर के इस हाई प्रोफाइल चांदी रिश्वत कांड में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एसपी को शीघ्र जांच कराने के आदेश दिए हैं। रिपोर्टर लोकेंद्र रावत। ऐसा विषय ध्यान में आया है, उसमें एसपी ने जांच के आदेश कर दिए। मैं समझता हूं आज या कल तक जांच पूरी हो जाएगी। कमलनाथ कह रहे हैं कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस से राहुल गांधी। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।